फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ NCERT का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं। और आपको बता दें कि अभी हम लोग प्रश्नावली 4.4 में पढ़ रहे हैं। जो स्टूडेंट नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, उन लोगों को बता दें कि इससे पहले हम प्रश्नावली 1.1 से लेकर के प्रश्नावली 4.3 के सभी क्वेश्चन को हम हल कर चुके हैं। तो जो लोग अभी तक इस सभी वीडियो को नहीं देखे हैं, तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए जो है आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दें कि पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 4.4 का जो है 3 नंबर क्वेश्चन तक हल कर चुके हैं। तो आज का क्लास जो है आपका जो है, आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं। और इस तरह से आपका 4 नंबर चैप्टर जो है बिल्कुल कंप्लीट आज हो जाएगा। और अगले क्लास में हम 5 नंबर चैप्टर, जिसका नाम है समांतर श्रेणियां, उसको जो है शुरू करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण है आज का क्लास, 4 और 5 नंबर दोनों क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण है। चलिए जो है हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसको हल करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है। मतलब जो नीचे आपको जो सेंटेंस दिया गया, जो कथन दिया गया, यह संभव है। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ये तो आप समझ गए होंगे कि ज्ञात क्या करना है, तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, अभी हम लोग क्या करेंगे, नीचे देखेंगे। बोला जा रहा है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया, 2 मित्र है और उसके आयु का जो योग है, दैट मीन्स दोनों मित्र के आयु को अगर आप जोड़ते हैं तो 20 पूर्ता है 4 वर्ष पूर्व, मतलब 4 वर्ष पहले, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो ये हो गया दूसरा स्टेटमेंट। क्वेश्चन में आपको यह बताया गया कि 2 मित्र थे, कितने मित्र थे, 2 मित्र, और उन दोनों के आयु का जो योग है, डेट मीन्स उन दोनों के आयु को अगर जोड़ते हैं तो 20 वर्ष पूर्ता है, और उसके आयु का जो है 4 वर्ष पूर्व, मतलब 4 वर्ष पहले अगर उसके दोनों के आयु को हम गुना करते थे तो 48 पूर्ता था। इस स्थिति में आपको वर्तमान आयु ज्ञात करना है, उन दोनों मित्रों का वर्तमान आयु क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम यह पता लगाएंगे कि क्या यह स्थिति संभव है या नहीं है। यह स्थिति संभव है कि नहीं, मतलब ऐसा हो सकता है कि नहीं, हम दोनों का वर्तमान उम्र ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते हैं। पहले तो हम इसका क्या करेंगे, पता लगाएंगे, फिर अगर ज्ञात कर सकते हैं, अगर यह स्थिति संभव होगा, तब तो हम इसका क्या करेंगे, दोनों मित्रों का जो उम्र है वो भी क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन में क्लियरली आपने देखा कि उनका वर्तमान आयु ज्ञात करना है। किनका? तो दोनों मित्रों का। तो हम जो चीज निकालना होता है उसी को मानते हैं। तो जब आप हल करेंगे तो सबसे फास्ट लिखेंगे, माना कि 1 मित्र की जो है वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष, इस तरह से लिखेंगे, माना कि 1 मित्र की वर्तमान आयु की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष। हमने मान लिया कि जो फर्स्ट मित्र है, 2 मित्र है, तो उसमें से 1 मित्र का वर्तमान आयु हम एक्स वर्ष मान लेते हैं, तो दूसरे मित्र का वर्तमान आयु क्या होगा, तो लिखेंगे, तो दूसरे मित्र लिखेंगे, तो दूसरे मित्र, यहाँ पर जो है एक्स वर्ष है, यह आप जो है याद रखेंगे, कुछ प्रॉब्लम के कारण यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, एक्स वर्ष है, तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर, तो दूसरे मित्र की जो वर्तमान आयु है वह कितना हो जाएगा। तो आपको बता दे कि दोनों का योग जो है वह 20 वर्ष है, और 1 मित्र का हम मान लिए हैं एक्स वर्ष, तो दूसरे मित्र का हो जाएगा 20 माइनस एक्स वर्ष। आप क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि दोनों का योग है
20 वर्ष और एक का आप अगर x मान लेते हैं तो दूसरे का उसमें से घटा करके आपको क्या करना होगा बताना होगा। तो x 20 माइनस x वर्ष आप क्या कर सकते हैं लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्रश्न से। अब क्या लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से ठीक है। प्रश्न से मतलब प्रश्न के अनुसार आप क्या बताया जा रहा है उसके अनुसार काम करेंगे। प्रश्न में बोला जा रहा है कि चार वर्ष पूर्व मतलब चार वर्ष पहले, अभी से चार वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था, उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो देखिए पहले मित्र का वर्तमान आयु मतलब अभी जो उसका उम्र है वो x है। पहले मित्र का वर्तमान आयु कितना है, अभी x है ठीक है, कितना है x है। तो इसके चार वर्ष पूर्व मतलब चार वर्ष पहले का अगर इसका उम्र निकालने के लिए बोला जाए तो इसमें से चार क्या करेंगे घटा देंगे। तो x माइनस चार क्या हो गया, तो पहले मित्र का जो है क्या हो गया, चार वर्ष पहले वाला उम्र हो गया। और दूसरे मित्र का देख सकते हैं कि वर्तमान आयु है 20 माइनस एक्स, वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान आयु है 20 माइनस एक्स। तो चार वर्ष पहले वाला निकालना है, क्वेश्चन में देख सकते हैं कि चार वर्ष पूर्व, तो चार वर्ष पहले वाला निकालना है तो इसमें से आपको चार क्या कर लेना है घटा लेना है, तब तो आप चार वर्ष पीछे जाएंगे। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि चार वर्ष पूर्व का जो आयु है उसका देख सकते हैं कि गुणनफल कितना है, तो 48 है। गुणनफल कितना है, तो 48 था। इसका मतलब इस दोनों को जब आप गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 48, कितना मिलेगा 48 मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो ये एक समीकरण या आपको क्या हो गया मिल गया, और इसी समीकरण को जब आप हल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर इस तरह का स्थिति हो सकता है कि नहीं, अगर होगा तो कितना होगा, सारा जानकारी इस समीकरण के आधार पर ही आपको मिलेगा। तो चलिए इसको हम हल करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x माइनस चार को तो सेम टू सेम लिख लीजिए, x माइनस चार, और फिर देखिए 20 में से आप चार घटाते हैं तो मिलेगा आपको 16, क्या मिलेगा 16 माइनस x हो जाएगा, और फिर बराबर में आपका 48 है तो बराबर में हो जाएगा 48। फिर आप क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे, तो x को जब आप 16 से गुना करेंगे तो मिलेगा आपको 16x, फिर x से जब आप गुना करेंगे x को तो ये माइनस एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 4 से 16 को गुना करेंगे तो ये देखिए प्लस और माइनस तो माइनस होगा, और 16 चौके होता है 64, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 64, और फिर इसी 4 से गुना करेंगे x को, ये माइनस 4 और माइनस x तो प्लस 4x हो जाएगा, कितना होगा प्लस 4x हो जाएगा, और दाहिने में है 48, पहले से ही दाहिने में 48 है तो उसको हम ले आते हैं बाएं, तो ये हो जाएगा माइनस 48 हो जाएगा, क्योंकि दाएं से बाएं आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसे ध्यान से आप देखेंगे। देखिए जो एक्स एक्स स्क्वायर है इसको हम पहले लिख लेते हैं माइनस एक्स एक्स स्क्वायर ठीक है, फिर पावर दो वाला को लिखेंगे तो प्लस 16x और प्लस 4x कितना हो जाएगा प्लस 20x हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो प्लस 20x हो जाएगा, तो प्लस 20x हम यहाँ पर लिख लेंगे, और फिर देख सकते हैं कि माइनस 64 और माइनस 48 कितना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 64 और माइनस 48 जो है, इधर आपका ये था माइनस और ये भी था माइनस, तो माइनस 64 और माइनस 48 आपको दोनों मिला करके मिल जाएगा माइनस 112, क्योंकि देख सकते हैं कि 8 4 12 होगा, 12 का 2 आप लिख लेंगे, और 4 और 6 10 और 1 11 यानी कि माइनस 112 होगा, बराबर में क्या लिखेंगे आप, तो बराबर में लिखेंगे 0। अब इसी समीकरण को आपको क्या करना होगा हल करना होगा। तो चलिए जो है इतना आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। चलिए इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे आपका आखिर किस तरह से, देखिए यहाँ पर जो कुछ था वो कुछ हट चुका है, तो आप लोग पहले वहां पर ही रोक करके देख लिया करिए ठीक है, जब हम बोल दे तो उस स्थिति में। अब यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, तो इसका आपको इस समीकरण को, ये जो समीकरण आपको दिया गया है इसमें आप जब माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या लेंगे कॉमन, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर और माइनस 20x हो जाएगा, क्योंकि प्लस 20x है, तो ये हो जाएगा माइनस 20x और माइनस 112 क्या हो जाएगा प्लस 112 हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा 0। अब इससे होगा क्या सो समझिए, ये माइनस इधर जाएगा तो 0 के नीचे जाएगा, 0 होगा तो आपको सिंपली ये समझना कि एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 बराबर आपको मिल रहा है 0। अब हमें यह पता करना है कि इसका मूल निकलेगा कि
नहीं निकलेगा। तो इसके लिए हमें डी का मान क्या करना होगा, निकालना होगा। तो सबसे पहले एबीसी का लिखेंगे, लिखेंगे यहां यहां ए बराबर आप देख सकते हैं कि एक होगा, बी बराबर माइनस बीस होगा और सी बराबर 112 होगा, जैसा कि इस समीकरण के आधार पर आप देख रहे हैं। ठीक है, अब लिखेंगे इसीलिए डी बराबर, इसीलिए डी बराबर, तो डी बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए सी। तो फोर ए सी करेंगे तो होगा क्या, देखिए ये तो डी है ठीक है, और बी का मान आपके पास है माइनस बीस, कितना है माइनस बीस है, तो माइनस बीस का आप करेंगे स्क्वायर, माइनस बीस का स्क्वायर करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं ये माइनस है तो माइनस ले लेंगे, चार गुने ए करना है तो ए का मान एक है और गुने सी करना है तो सी का मान है 112। अब आप इसको जैसे ही आगे हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आप ध्यान से यहां पर देखेंगे, देखिए यहां पर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस बीस का जो स्क्वायर आप करेंगे तो ये हो जाएगा, बीस का स्क्वायर होगा 400 और ये माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 400, कितना हो गया प्लस 400, और ये माइनस है तो ले लेंगे आप माइनस। ठीक है, और 112 को आप एक से गुना करेंगे तो 112, और 112 को चार से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 12 × 4 = 48, 448 होगा, कितना मिलेगा 448, 448 मिल जाएगा। और इस तरह से आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि डी बराबर माइनस 48 मिलेगा यहाँ पर आपको, क्योंकि प्लस 400 और माइनस 448, तो माइनस में 48 ज्यादा है तो माइनस 48 बच जाएगा, और यहाँ पर इसका मतलब है कि माइनस 48 जीरो से क्या हो गया, छोटा हो गया, और जीरो से जैसे ही छोटा हो जाता है तो आप सभी जानते हैं कि जैसे ही डी का मान माइनस में आता है तो उसका कोई भी मूल नहीं निकलता है, इसका कोई भी मूल नहीं निकलता है, अतः हम कह सकते हैं कि दी गई स्थिति संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हैं कि डी का वैल्यू आ गया माइनस में, और डी का वैल्यू जैसे माइनस में आएगा तो इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, आप सभी जानते हैं इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, और कोई वास्तविक मूल नहीं होगा इसका मतलब है कि इसका जो वर्तमान उम्र है हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो नीचे में एक सेंटेंस हम लिख देंगे, अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है, स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है, दी गई स्थिति संभव नहीं है। जैसा क्वेश्चन में बोला गया था कि संभव है कि नहीं, तो लिखेंगे कि नहीं है। संभव कब होता, या तो डी का मान जीरो आ जाता, नहीं तो डी का मान प्लस में आता, तब आप एक्स का मान निकाल पाते, और एक्स का ही मान आपका क्या था, तो उम्र था, तो यहाँ पर माइनस आ गया इसके कारण आप एक्स का मान नहीं निकाल सकते, इसका मतलब है कि इस तरह का स्थिति संभव ही नहीं होगा, मतलब जो ऊपर में जो स्टेटमेंट दिया गया था क्वेश्चन में वह स्टेटमेंट ही गलत है, मतलब इस तरह का स्टेटमेंट नहीं बनाया जा सकता है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, इससे आगे अब आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो भी करना है कर लीजिएगा। हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे, पांच नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम के दृष्टि से अच्छा है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई आपको क्या करना है, ज्ञात करना। देखिए यहां पर क्या करना है, एक पार्क बनाना है, क्या बनाना है, पार्क, और बोला जा रहा है कि पार्क ऐसा बनाया जाए ताकि उसका परिमाप जो है वो 80 मीटर का हो और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का हो। अगर ऐसा संभव है, ऐसा करना संभव है, तब आपको पार्क का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। क्या करना है, पार्क का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए हम आपको पहले बताए हैं कि जो निकालना होता है उसी को हम क्या करते हैं, मानते हैं। ठीक है, तो जब आप इसे हल करेंगे तो हम सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई को ही मानेंगे, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है यहाँ पर आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे, माना कि
लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है। सबसे पहले यहाँ पर वही लिख लेंगे, माना कि लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है। हम सबसे पहले क्या मान लिए, तो लंबाई को x मान लिए और चौड़ाई को y मान लिए। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि परिमाप जो है वो 80 मीटर है। तो परिमाप 80 मीटर है, देखिए तो लंबाई अलग है और चौड़ाई अलग है, इसका मतलब क्या है कि यह आयत होगा। और आयत का लिखेंगे, आयत का परिमाप जो होता है वो लंबाई 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो प्रश्न में दिया गया है परिमाप बराबर, परिमाप बराबर दे दिया गया है 80 मीटर। कितना दिया गया है, 80 मीटर दिया गया है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई x है और प्लस चौड़ाई y है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ऐसा आप समझ सकते हैं, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आप देख सकते हैं कि इस 2 से आप जो है इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। देखिए 2 से 40 दूना 80 क्या होगा, ये कट जाएगा, 40 दूना 80 क्या होगा, कट जाएगा। तब आपको यहाँ पर समझना है कि आखिर अब आपको क्या करना है। तो इधर मिलेगा आपको x प्लस वाई बराबर क्या मिला, 40 मिला। और इस चीजों को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसको आप जो है इस तरह से लिख सकते हैं, y बराबर देखिए दाहिने में पहले से 40 है और ये प्लस एक्स, दाहिने भेजेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये जो समीकरण था x प्लस वाई बराबर 40, इसमें हम क्या कर दिए, y को बाएं रखे और 40 पहले से दाहिने में है, x को दाहिने भेज दिए तो माइनस एक्स हो गया। इसका नाम दे दीजिए आप समीकरण एक। तो जो आपका परिमाप दिया गया था उससे आप इतना निकाल लेंगे। और दूसरा बात यह दिया गया क्षेत्रफल, दूसरा बात क्षेत्रफल दिया गया 400 मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से, परिमाप बराबर इतना एवं यहाँ पर लिख लीजिए एवं क्षेत्रफल बराबर आपको दिया गया है, क्षेत्रफल बराबर आपको क्या दिया गया है, तो क्षेत्रफल बराबर आपको क्वेश्चन में दिया गया 400 मीटर स्क्वायर। क्या दिया गया है, 400 मीटर स्क्वायर दिया गया। तो हम यहाँ पर 400 मीटर लिख लेते हैं, ठीक है 400 लिख लेते हैं मीटर स्क्वायर, तो आप देख भी सकते हैं, ठीक है। और ये क्षेत्रफल किसका, आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल है। तो आयत का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई एक्स है और चौड़ाई वाई है, यानी कि एक्स गुने वाई बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 400 दे दिया गया है। अब इसी स्थिति में हम क्या करेंगे, अब आगे आपको क्या करना है इसको देखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको रोक करके लिख लीजिए, क्योंकि जैसे आगे बढ़ेंगे तो कुछ न कुछ क्या होगा, प्रॉब्लम आएगा। चलिए अब जो है हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ने में हम क्या करेंगे इसको समझिए। ये जो समीकरण आपको x into y बराबर 400 दिख रहा है, इसमें हम y के जगह पे क्या करेंगे, y के जगह पे 40 माइनस एक्स रख देंगे, क्योंकि y और 40 माइनस एक्स दोनों बराबर है। यहाँ पर समीकरण एक में यही बताया जा रहा है कि दोनों क्या है, बराबर है। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, तो दोनों जो y के स्थान पर 40 माइनस एक्स रख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है हल्का और ऊपर कर लेते हैं। चलिए लिखेंगे एक सेंटेंस जो है यहाँ पर लिख ही देते हैं, जो है कि जो यहाँ है y बराबर 40 माइनस एक्स रखने पर, यानी कि इस समीकरण में y के जगह पे आप 40 माइनस एक्स रखेंगे, ये 4 नहीं है 40 है, ठीक है 40 माइनस एक्स रखेंगे तो क्या होगा सो समझिए। ये x है तो x तो रहेगा ही रहेगा, गुना है तो गुना का साइन ले लेंगे, और ये जो y है इस y के जगह पे 40 माइनस एक्स रखेंगे, क्या रखेंगे 40 माइनस एक्स रखेंगे, और बराबर दाहिने साइड है 400, तो ये 400 तो रहेगा ही रहेगा। अब आप इसको क्या करेंगे,
तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा इसको आप ध्यान से देखेंगे। देखिए x को 40 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40x, x को माइनस x से गुना करेंगे तो माइनस एक्स एक्स स्क्वायर होगा। और फिर दाहिने तरफ आप देख सकते हैं कि दाहिने तरफ आपको है प्लस 400 है, तो इसको बाएं लाएंगे तो ये हो जाएगा -400। क्या हो जाएगा? -400 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। अब आप इसे करेंगे क्या, तो देखिए माइनस हम ले लेंगे कॉमन, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है वो माइनस में नहीं रहना चाहिए। तो जब आप इसको हम देखिए घटते क्रम में लिखते हैं, तो देखिए एक्स एक्स स्क्वायर ये +40x, ये +40x आप लिख सकते हैं, और -400 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब क्या होगा, आपको कॉमन लेना होगा माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स एक्स स्क्वायर, और ये +40x है तो -40x बचेगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 400 और बराबर में होगा 0। तो इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि माइनस को हम दाहिने भेज देंगे तो 0 के नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये जो है एक्स एक्स स्क्वायर है, और माइनस कितना है तो 40x हो गया, और प्लस कितना हो गया तो 400 और बराबर 0। ये एक कंप्लीट समीकरण आपको मिल गया। इस समीकरण इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्टली, क्योंकि आगे हम इससे क्या करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे, इतना आप नोट कर रहेंगे तो अच्छा आपको ही क्या होगा, फायदा मिलेगा। चलिए अब हम आगे क्या करेंगे, देखिए यह एक कंप्लीट समीकरण मिल गया। इस समीकरण में आपको क्या करना होगा, तो एक्स का मान निकालना होगा, और एक्स का मान ही क्या होगा, एक्स का मान होगा लंबाई। एक्स का मान जैसे आप ऊपर मान के आए हैं कि लंबाई एक्स और चौड़ाई वाई, तो एक्स का मान आपको मिल जाएगा, तो इसका मतलब है कि आपको लंबाई मिल जाएगा। तो चलिए इस समीकरण को हल करते हैं। कैसे हल करेंगे इस समीकरण को, आप सभी जानते हैं कि द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो यहाँ पर हम एबीसी का मान लिख लेंगे, लिखेंगे यहाँ ए बराबर 1 है, बी बराबर आप देख सकते हैं कि -40 है, और सी बराबर आप देख सकते हैं कि 400 है, +400 है। इसीलिए आपको क्या निकाल लेना होगा, तो डी निकालना होगा। डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac होता है। तो इस स्थिति में डी क्या मिलेगा आपको, तो देख सकते हैं कि बी, तो बी का मान -40 है, तो -40 का आप कर लेंगे स्क्वायर, और ये माइनस है माइनस ही रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा। ए का मान आप देख सकते हैं कि 1 है, तो ये 1 होगा, और गुने सी है तो सी का मान आपके पास है 400, ठीक है 400 है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो डी बराबर आपको मिलेगा, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 16 कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस, और इस 4 से गुना करेंगे 400 को तो 4 × 16 ये भी होगा 1600। इस तरह से आप देख सकते हैं कि डी का मान आपको मिल रहा है 0, क्योंकि 1600 - 1600 कितना होगा, 0 हो जाएगा। और जैसे ही डी का मान 0 आया, इसका मतलब है कि आप एक्स का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए एक्स बराबर फार्मूला क्या होता है आप सभी जानते हैं, फास्ट में हम लिख देते हैं -b ± √d और / 2a। यह फार्मूला आपको यूज करना है, तो यह फार्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, देखिए -b है तो ये -b तो रहेगा ही रहेगा, और ये -b रहेगा ही रहेगा। इस -b का आप वैल्यू बैठा लीजिए, बहुत अच्छा होगा। देखिए -b का जब आप वैल्यू बैठाएंगे, देखिए -b है तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, और b का मान आप देख सकते हैं कि -40 है, तो -40 हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे, क्या लिखेंगे -40। हल्का इसको और अच्छा कर देते हैं, लिखेंगे -40, कोष्ट के अंदर भी लिख लेना होगा आपको, क्या लिखना होगा -40, और फिर प्लस माइनस है तो प्लस और माइनस ले लेंगे, और √d तो d का मान आप निकाले हैं 0, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 0, और बट्टे में 2a है तो 2 × a, a का मान आप देख सकते हैं कि क्या है 1 है, और इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस +40 हो जाएगा, +40, और बीच में प्लस माइनस का साइन है, और √0 का मान होगा 0, और बट्टे में 2 × 1 क्या होगा, 2 होगा। और इसको आप सॉल्व कर ले, देखिए यहाँ पर हमें एक ही मान से मतलब है, दो मान आएगा, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके, लेकिन एक ही मान से हमें क्या है, मतलब है। तो जब आप आगे इसको सॉल्व करेंगे
तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 40 में प्लस कीजिए 0 या फिर माइनस कीजिए तो 40 ही होगा। तो 40/2 लिख सकते हैं हम, 40/2 लिख सकते हैं, और 40 को 2 से आप क्या करेंगे, भाग करेंगे तो मिलेगा आपको 20 मिलेगा। इसका मतलब आपको x का मान कितना मिल गया, 20 मिल गया, ठीक है। तो x का मान 20 मिल गया, अतः आपको जो है लंबाई मिल गया, लिखेंगे अतः लंबाई बराबर, लंबाई आप क्या माने थे, तो लंबाई माने थे आप जो है लंबाई माने थे आप x, तो x का मान आपको यहां पर मिला कितना, 20 मीटर, ठीक है। ये 20 मीटर हो गया। एवं चौराई बराबर, तो चौराई आप जो है चौराई का जो समीकरण था, चौराई निकालने के लिए y बराबर 40 माइनस एक्स, समीकरण एक आप देखेंगे ऊपर में, y बराबर 40 माइनस एक्स था। तो देखिए चौराई था y और y का मान कितना था, 40 माइनस एक्स था। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 40 में से x को घटाएंगे, तो x को घटाएंगे, x का मान कितना है, 20 है, तो 20 घटाएंगे तो 40 में से 20 जाएगा तो क्या होगा, 20 मीटर, यानी कि लंबाई भी 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर। यहां पर आपका फाइनल क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। इस तरह से आप इसको आंसर कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस तरह से आपका चौथा चैप्टर का क्या हो गया, द एंड हो गया। इस तरह से चौथा चैप्टर आपका क्या होता है, आज 100% समाप्त होता है। फिर हम अगले क्लास में पांचवा चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणियां, उसको स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिए। जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।